वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है जानते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते, तो बताते हैं क्या है रहस्य इसके पीछे। इसके पीछे का रहस्य यह है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान बनने का बहुत शौक था। उसने ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। और जब वो वरदान मांग रहा था तभी उसका दुश्मन भी पैदा हो गया। उसको वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी ने क्या दिया, क्या मांगा उसने? हिरण्यकश्यप राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी से क्या मांगा? उसने उस भगवान जी से ये मांगा कि मुझे ना तो दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई देव, ना कोई दानव मुझे कभी कोई मृत्यु ना कर सके, ना कोई चिड़िया, ना पंछी, ना सुबह, ना शाम। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इसके पीछे की घटना, जब वो तपस्या में लीन था तो अपने घर से दूर था। घर से दूर होने के कारण उसकी पत्नी आश्रम में थी और आश्रम में नित नियम भगवान विष्णु के भजन कीर्तन चला करते थे और प्रहलाद गर्व से ही बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका था, हरि भगवान का भक्त हो चुका था। इधर जब वो वापस आता है भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लेके, जब हिरण्यकश्यप अपने महल आता है तो उसे खुशखबरी मिलती है, उसके घर प्रहलाद ने जन्म लिया है। बहुत जोर शोर से उसका जन्म क्रम किया जाता है, चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत सारे राजागण आते हैं। और उसी बीच वह अपने आप को भगवान घोषित कर देता है और कहता है कि आज से विष्णु भगवान की पूजा जो भी करेगा मैं उसका वध कर दूंगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे राज्य में रह सकता है। लोग बहुत भयभीत हुए और लोगों ने उसे भगवान मान लिया। ये कई सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होता रहा और भगवान विष्णु की स्मरण करता रहा। हिरण्यकश्यप राक्षस जो कि एक राजा भी था, उसे ये देखकर बड़ा क्रोध आता था कि पूरी दुनिया उसे भगवान मानती है और उसका बालक ही उसे भगवान मानने से इनकार कर रहा है। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किए, कभी पहाड़ी से ढकेल दिया, कभी हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, कभी जहर दिया। जब कोई भी असर ना हुआ हमेशा भगवान हरि उसके प्राण बचा लेते थे। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ, दुखी अवस्था में बैठा हुआ था। उसी समय उसकी बहन होलिका आती है और पूछती है, भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है?
हिरण्यकश्यप कहने लगा कि पूरी दुनिया देव दानव सब मुझे भगवान मानते हैं और मेरी पूजा अर्चना करते हैं और मेरे घर में मेरा वंश मेरी बात नहीं मानता, मेरी पूजा नहीं करता, मुझे इसे मृत्यु लोक पहुंचाना है। होलिका कहने लगी, भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता और मैं लकड़ियों के ढेर में बैठ के और इसको जला दूंगी। बड़ी सारी लकड़ियों का ढेर लगाया गया और होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ बिठा लिया और अग्नि लगा दी गई। अग्नि जल गई, होलिका तड़पने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन बालक का कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जिसके पालनहार विष्णु भगवान होंगे उसका क्या बिगाड़ सकता है कोई। वो अत्यंत क्रोधित हुआ और उसी दिन से होलिका दहन शुरू हुआ। अब होली कैसे मनाई गई, ये तो होलिका दहन हो गया। होलिका दहन के उपरांत जब उसकी बहन की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ और बहुत क्रोध में आ गया और खुद ही तलवार लेके प्रहलाद के ऊपर उठाई। तभी भगवान नरसिंह एक खंभे से प्रकट हुए और उसे उठा के चौखट पे अपने पंजों से चीर दिया। जो समय था वो संध्या काल था, ना तो सुबह थी, ना तो शाम था, ना तो घर था, ना तो बाहर था, ना तो देव था, ना तो दानव था। नरसिंह अवतार शेर के रूप में, आधा मानव आधा शेर। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया उसी दिन से होली का त्योहार मनाया गया कि सत्य पे असत्य की विजय हुई और यही मिलन सार कि प्रहलाद जैसा भक्त एक राक्षस के घर में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहा, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। यही कहानी है कि होली हम क्यों मनाते हैं। सत्य और असत्य की विजय की खुशी में ही हम लोग होली मनाते हैं, हर साल लोगों से मिलन करते हैं और रंगों का त्योहार जो है हिरण्यकश्यप की मृत्यु के उपरांत मनाया जाता है। तो ना तो प्रहलाद से बड़ा कोई भक्त है। आप लोग भी भक्ति करें, भगवान विष्णु की करें या भगवान महादेव की, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता अगर आप हरि चरणों में चले जाएंगे। तो इस लोक में तो आपको नानक प्रकार के सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, मृत्यु लोक में जब आप जाएंगे तो बैकुंठ धाम की आपको प्राप्ति होगी। तो बोलो ओम नमः शिवाय, प्रतिदिन जाप कीजिए और होली आने ही वाली है, होली का दहन कीजिए और रंगों भरा त्योहार खुशियों भरा मनाइए।